अस्सलाम वालेकुम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स वर्क। सबसे पहले मैथ्स वर्क में आपने क्लास वर्क 26/3/20 थर्सडे डेट एंड डे मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है राइट डाउन पैक वर्क काउंटिंग 9 to 0। पर ये समझाने से पहले मुझे ये बताएं, आपको मुझे नहीं, आप खुद देखें, ठीक है। आप बच्चों से पूछें कि बच्चों को काउंटिंग जो काउंटिंग टीचर ने करवाई हुई है वो बच्चों को आती है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सब बच्चों को आती है क्योंकि टीचर ने करवाई हुई है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सब बच्चों को आती है। पर आज का हमारा टॉपिक है राइट डाउन बैकवर्ड काउंटिंग। बैक का मतलब, अब आप देखो, आपको टीचर कहती है ना बैक, कम बैक। कम बैक का क्या मतलब होता है? वापस आए, ऐसे ही टीचर बताती है ना, कम बैक, वापस आएँ। तो बैक का क्या मतलब टीचर ने आपको बताया है कि बैक का मतलब होता है वापस आना, ठीक है। तो हमने इसी तरह राइट डाउन, राइट करना है बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब उल्टी। बैक का मतलब होता है उल्टा, वापस भी आना होता है, उसको उल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो बैक का क्या मतलब होता है? उल्टी काउंटिंग, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग 9 to 0, ठीक है, हमने राइट करनी है। हमने राइट कैसे करना है? बैकवर्ड, राइट डाउन बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। हमने उल्टी गिनती काउंटिंग करनी है, तो कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है? 9 से करनी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप देखें कि टीचर ये उल्टाई हैं, बैक, बैक मतलब वापस आना। मैंने बताया ना, जब टीचर आपको कहती होती हैं कम बैक, बेटा वापस आएं, तो बैक का क्या मतलब होता है? कम बैक, उल्टा आना, ठीक है। तो इसी तरह हमने आज राइट करनी है बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब हम उल्टा आ रहे हैं। हम सीधे तो हमने जीरो से तो स्टार्ट ही नहीं किया, हमने उल्टे से स्टार्ट किया, 9 से स्टार्ट किया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। इस तरह आपने राइट करना और इसी तरह आपने इसको समझना है कि क्या है राइट डाउन बैकवर्ड काउंटिंग, कि हमने उल्टी काउंटिंग राइट करनी है, हमने उल्टा आना है, ठीक है, वापस आना है, हमने उल्टी गिनती राइट करनी है, उल्टा करना है, क्योंकि टीचर ने आपको सीधी काउंटिंग करवाई हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब टीचर ने क्या किया, टीचर उल्टा आ रही है, ठीक है। इस तरह आपने इसको समझना है, अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह राइट करना, और राइटिंग शुड बी नीट प्रैक्टिस।